मेरा नाम ताहिर अहमद रथर है, मैं मार्डर बांडीपोरा में रहता हूँ। मैंने डेयरी फार्म 2020 में स्टार्ट किया। मेरा अभी तीसरा साल चल रहा है एंड एज डेयरी यूनिट से। मेरे पास अभी 8 गाय हैं। मैं अभी दिन का 90 90 एबो दूध प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं चीफ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डीसी साहब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस डेयरी सेक्टर में आने के लिए बहुत बहुत मदद की। तो यूथ के लिए मैं क्या मैसेज है, जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस डेयरी सेक्टर में आने की कोशिश करें। इसमें बहुत बहुत सारा फ़ायदा है। मेहनत भी है इसमें, लेकिन बहुत बहुत फ़ायदा भी है इसमें। डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंदर जो IDDS स्कीम है उसके तहत 37 टोटल बेनिफिशरीज आज तक रहे। बांडीपुरा का जो अब मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 2800 लीटर पर डे के करीब हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो यूथ हैं जो बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, जो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा रहे हैं और अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, खुद भी अपना रोज़गार भी पा रहे हैं, लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं, उनमें से एक अच्छा एग्जांपल ताहिर साहब का है, जिनका जो शीप फार्म जो इनका जो डेयरी फार्म है वो लगभग 100 लीटर पर डे मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सेटअप किया है। इसी तरह से बाकी भी जो यहाँ पे यूथ हैं, जो बाकी भी जो बेनिफिशरीज हैं 37, मुझे पता चला है कि सब के सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्रॉफिटेबल तरीके से जो डेयरी यूनिट्स हैं वो चला रहे हैं। तो ये एक मैसेज जाता है यूथ के लिए कि किस तरह से वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा के। और जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, शीप हस्बेंड्री सेक्टर है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है मार्केट में। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी यूथ के साथ कि वो इसकी तरफ ध्यान दें और हमारे जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं उनको अप्रोच करें और हमारी तरफ से जो इनका फैसिलिटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोहेल है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का रहने वाला हूँ। मैं इस फार्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बांडीपोरा का। मैं यहाँ पर दूध सप्लाई कर रहा हूँ होटल वालों और गाँव वालों को, और इस दूध का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और मुझे बहुत फ़ायदा आ रहा है इसमें। अब मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फार्म और ज़्यादा तरक्की करे। बाकी मुझे इससे बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है।